So those previous classes included topics like ASK, FSK, PSK. Fine. So ASK we have covered. FSK, PSK we have covered. In this we have covered ki transmitter kaisa hoga aur kaise transmit hoga aur receiver kaisa hoga. And same thing here, same thing here. So this part is done. But then we finished at PSK और हमने कहा कि PSK जी एक better modulation है इन तीनों में से in terms of bandwidth as well as what is the other parameter? Bandwidth as well as probability of error. ठीक है? So लेकिन इसमें अब भी एक problem थी PSK में अब भी एक problem थी वो क्या थी जो receiver side था उसमें हम प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर या मैं कहूं उसमें सिंक्रोनस डिटेक्शन का इस्तेमाल हो रहा था. ठीक, अगर आपको जहन में होंगे इन सब के जो रिसीवर साइड से या डीमॉड्यूलेटर्स हैं इन तीनों मॉड्यूलेशन टेक्निक्स के एएसके एफएसके पीएसके वी यूज द कैरियर अगेन एंड अगेन इन द रिसेप्शन साइड. ठीक है, सो दैट मीन सिंक्रोनाइजेशन इज ऑलवेज अ कंसर्न. इज दैट ओके? सिंक्रोनाइजेशन जो होगी वो एक कंसर्न रहेगा इन तीनों केस में. इसी चीज को सॉल्व करने के अब देखिए यहां से क्लास आज की स्टार्ट हो रही है लेकिन ये उसका बस बैकग्राउंड था. सो प्रॉब्लम क्या है पीएसके में, इसमें हमें कैरियर अब भी जरूरत है किसके लिए? सिंक्रोनाइजेशन के लिए. नाउ इसी चीज को काउंटर करने के लिए व्हाट वी डू इज वी मूव टू अनदर मॉड्यूलेशन स्कीम जिसका नाम है क्यूपीएसके, जिसका नाम है क्यूपीएसके. एंड अगेन इसको भी मैं दो बार यहां पे इंपॉर्टेंट लिखूंगा. दैट मींस ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी. ठीक है, सो क्यूपीएसके क्या होता है? इसका फुल फॉर्म है क्वाड्रेचर. आज की हेडिंग है क्यूपीएसके, इसका है इसका फुल फॉर्म है क्वाड्रेचर फेज शिफ्ट. सॉरी, इट्स नॉट क्यूपीएसके, विल फर्स्ट गो विद डीपीएसके, नॉट क्यूपीएसके. पहले विल ट्राई टू अंडरस्टैंड डीपीएसके. सो टुडेज हेडिंग इज डिफरेंशियल फेज शिफ्ट कीइंग. एक्सक्यूज मी फॉर दिस, ऑल्दो क्वाड्रेचर इसके बाद वाली टेक्निक है बट वी हैड टू फर्स्ट डू डीपीएसके क्योंकि हमने क्या देखा था पीएसके लेकिन डीपीएसके नहीं देखा था अब तक. सो आप लिखिए जरा प्लीज राइट इन द नोट्स. डिफरेंशियल फेज शिफ्ट कीइंग इज अ मॉड्यूलेशन टेक्निक which ensures that the quadrature null effect is avoided during the demodulation of such signal. So DPSK is one of the types of the digital modulation which ensures that क्वाड्रेचर नल इफेक्ट QNE, क्योंकि हमने देखा था QNE इन तीनों में है, ASK, FSK, PSK तीनों में QNE है, क्वाड्रेचर नल इफेक्ट होता है because हम कैरियर यूज करते हैं सिंक्रोनाइजेशन के लिए. तो जब भी सिंक्रोनाइजेशन की बात हुई तो QNE तो मोस्टली हो गई होगा एक्सेप्ट फॉर कुछ खास रीजन. सो देन वी मूव टू डिफरेंशियल फेज शिफ्ट कीइंग. डिफरेंशियल फेज शिफ्ट कीइंग में जो टेक्निक यूज होती है, डिफरेंट स्टेप्स जिसके थ्रू हम जाते हैं, उसके जरिए से हमारा क्वाड्रेचर नल इफेक्ट नहीं होता है कहां पे? जब हम ऐसे सिग्नल को डीमॉड्यूलेट करते हैं. ठीक है ना? सो दैट इज द होल कांसेप्ट, दैट इज व्हाट वी विल ट्राई टू डू. इसी चीज के इर्द गिर्द हमारा सारा कांसेप्ट रिवॉल्व करेगा. सो ये क्यूएनई जो है, क्यूएनई इसके अंदर बिल्कुल नहीं है, तो यही इसकी क्या बनती है? एडवांटेज बनती है. ठीक है, so अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज द मेजर एडवांटेज ऑफ गोइंग टू डिफरेंशियल फेज शिफ्ट कीइंग इफ यू ऑलरेडी डिक्लेयर दैट पीएसके इज बेटर देन एएसके एंड एफएसके, द नीड अराइजेस बिकॉज़ क्वाड्रेचर नल इफेक्ट अभी भी है पीएसके में, उसको ये अवॉइड करता है. सो द हार्ट ऑफ डीपीएसके इज द वर्ड डी व्हिच इज डिफरेंशियल एनकोडिंग, इसमें यूज होती है. यू कैन से द DPSK scheme uses differential encoding
आज की जो हेडिंग है वो है डीपीएस के डिफरेंशियल फेज शिफ्ट कीइंग। इसमें यूज होता है हमारा डिफरेंशियल एनकोडिंग। इसको समझने की कोशिश करेंगे, व्हाट डू वी मीन बाय डिफरेंशियल एनकोडिंग। जस्ट टू गिव यू एन आइडिया एंड वेरी क्विकली बिकॉज टाइम कम है, जो हमारी ऑलरेडी प्रीवियस बिट्स जो अराइव हो चुकी है उस बेसिस पे हम कोई डिफरेंस पैरामीटर जनरेट करते हैं। इफ यू रिमेम्बर, जिस तरह हमने डिफरेंशियल पल्स कोड मॉड्यूलेशन में किया था ना, हमने बस एरर को ट्रांसमिट किया था, और एरर क्या था, से नेक्स्ट सैंपल माइनस करंट सैंपल या प्रीवियस सैंपल माइनस करंट सैंपल, ऐसा ही टेक्निक हमने यूज की। सो प्रीवियस सैंपल से रिलेशन था। यहाँ पे भी हम प्रीवियस सैंपल को देखते हैं, अकॉर्डिंगली नए जो सैंपल या कुछ ऐसा डिफरेंशियल जनरेट करते हैं जिसको हम आगे भेजते हैं, एंड वही रिकंस्ट्रक्शन साइड से हम रिसीव करते हैं, एंड उस बेस पे हम अपना डिमॉड्यूलेटेड सिग्नल जनरेट करते हैं। आइए जल्दी से देखते हैं ये है क्या। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, सो आई विल जस्ट मेक अ डीपीएस के ट्रांसमीटर, ठीक है ना। सो डीपीएस के ट्रांसमीटर हेडिंग रहेगी डीपीएस के ट्रांसमीटर साइड, हाउ डज इट लुक लाइक। द बेसिक ब्लॉक डायग्राम ऑफ अ डीपीएस के मॉड्यूलेटर वुड बी एम ऑफ टी एज आई टोल्ड यू दैट वी विल हैव अ डिफरेंशियल encoder followed by जो आपका normal PSK modulator होगा। तंजीब आपको दिख रहा है ये क्या लिखा मैंने यहां पे? Tanzeev, can you read it? स्ट्रीम पे कौन देख रहा है? यूट्यूब स्ट्रीम पे क्या आपको विजिबल है? जो यूट्यूब स्ट्रीम पे देख रहे हैं, कैन यू जस्ट कमेंट की हाउ इज द विजिबिलिटी ऑन यूट्यूब स्ट्रीम, बिकॉज आई फील इट इज स्लाइटली लेसर। यूट्यूब स्ट्रीम पे जो है वो काइंडली जरा कमेंट करें कि क्या आपको विजिबल है क्लियर यूट्यूब स्ट्रीम पे जो है, यस और नो। ओके, सो क्या है ये डीपीएस के में डिफरेंशियल एनकोडर। अब अगर एक थोड़ा सा विस्तार से इसकी इसी चीज की डायग्राम बनाई जाए तो मैं रिपीट करूंगा इस डायग्राम को। एक डिफरेंशियल एनकोडर जो है वो कुछ इस तरह से हम बनाएंगे। एक XNOR गेट हमने लिया, इसका आउटपुट जा रहा है एक एम्पलीट्यूड लेवल शिफ्टर को, उसका आउटपुट जा रहा है एक प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर को या एक मल्टीप्लायर को, जिसको हम एक सिग्नल दे रहे हैं। हाँ, अभी जरूरत पड़ेगा कुछ देर, जिसका नाम है एसी कॉस ऑफ 2πfct। ठीक है, ये क्या जनरेट करेगा? एनीवन हु इज ऑनलाइन, ये क्या जनरेट करेगा बेटा? उबैद जरा आप बताइए, एक मिनट बेटा मैं जरा इसको थोड़ा सा आप दिखा। ठीक है, ये बेसिकली कुछ नहीं है आपका क्या है, हाँ, लोकल ऑसिलेटर। ठीक है,
मुझ समझ रहा हूं. सो योर फाइनल डायग्राम इज दिस, नॉट दैट वन. सो आई विल जस्ट इरेज दिस वन. सो लेट्स डू द एनालिसिस. सो अब आप लिखेंगे, देख अच्छा एनालिसिस से पहले एक और चीज तो यहां बनाने भूल गया. ये एक फीडबैक आता है इसको, डिले ब्लॉक भी यूज करना चाहिए, बट एनीवेज. सो ये एक फीडबैक है आपके नॉर गेट से यहां पे. अच्छा विश्वमत मैकेनिज्म क्या, शुशु वायर इज इंपॉर्टेंट प्लीज. ये क्वेश्चन जो है आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं विद एम ऑफ टी. लेकिन उससे पहले एक छोटी सी थ्योरी मैं बताना चाहूंगा आपको. जो ये आपका एक्सनॉर गेट है, एक्सनॉर गेट का ऑपरेशन मैं कहां लिखूं, ये लिख देता हूं. एक्सनॉर गेट में अगर आप याद रखें, ए और बी जो है और आपका आउटपुट वाई होता है. दिस इज जीरो जीरो, दिस इज जीरो वन, दिस इज वन जीरो, दिस इज वन वन. सो एक्सनॉर हो गया एक्सऑर का उल्टा. एक्सनॉर हो गया एक्सऑर का उल्टा. एक्सऑर ओके, जरा इसको थोड़ा इस तरह एनालाइज करें. इसका मतलब एक एक्सनॉर गेट में अगर आपकी एक बिट है जीरो, आइज ऑन बोर्ड प्लीज, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन. अगर आपकी एक बिट जीरो है तो जो आउटपुट होगा वो इस बिट का कंप्लीमेंट होगा. अगर ए जीरो है, जो आउटपुट है वो दूसरी बिट का कंप्लीमेंटेड वर्जन होगा. ठीक है ना, दिख रहा है आपको? यस नो, कैन यू सी इट? इज इट विजिबल? अच्छा सही. अच्छा जब एक बिट वन होगी, सपोज ये वाली बिट वन है, ये वाली वन है, और यहां से जो दूसरी बिट आ रही है, आउटपुट एग्जैक्टली वही बिट होगी, सेम टू सेम. है सही? है सही? ये याद रख के आप आगे ये जरूर लिखिएगा. अब हम आगे चलते हैं. चलिए हम बना भी सकते हैं, तो इसको एक साइड में करके हम आगे चलेंगे. तो लेट्स एज्यूम दैट माय एम ऑफ टी इज वन जीरो वन जीरो. ओके, ये मेरा एम ऑफ टी है जिसको मुझे ट्रांसफर करना है. तो एम ऑफ टी कहां आ रहा है? इसके इस टर्मिनल पे. ओके, नाउ ये मेरा क्या है, ये मेरा डिजिटल एनकोडर है. मुझे ये मत लगाना पड़ेगा ना, ये खुला ही रखो. सो आई विल से DE का आउटपुट, सॉरी नॉट डिजिटल एनकोडर, क्या नाम था इसका, डिफरेंशियल एनकोडर. अब देखो डिफरेंशियल एनकोडर के लिए मुझे कोई ना कोई रेफरेंस बिट तो लेनी पड़ेगी ना. सपोज मैंने रेफरेंस बिट ले ली, या आप लिखिए यहां पे डिजिटल या डिफरेंशियल एनकोडर विद रेफरेंस बिट इक्वल टू जीरो, ये लिख लेना जरूर. उसका मतलब क्या है कि मैंने एज्यूम किया कि सिस्टम में ऑलरेडी यहां पे एक जीरो है. ठीक है, मैंने रेफरेंस बिट जीरो का मतलब ये है, मुझे देखना है इसका ऑपरेशन. लेकिन उसके लिए मैंने रेफरेंस बिट ले ली जीरो. रेफरेंस बिट जीरो लेने का मतलब कि मैंने एज्यूम किया कि यहां पे एक जीरो है, आपको समझाने के लिए. अच्छा अब देखते हैं जरा क्या होगा. सिंस मेरा डिफरेंशियल एनकोडर एक एक्सनॉर गेट है, और एक्सनॉर गेट पे इस टाइम क्या है, लॉजिक वन है कि नहीं? प्लीज टॉक टू मी, है कि नहीं? आप कीप योर माइक ओपन प्लीज, एनी वन ऑफ यू, सो दैट आई काउंट टू, कि आपको समझ आए कि नहीं. देखिए जी, मेरा सिग्नल है 1010. ओके, लेकिन वो कहां से आ रहा है, इस वाले टर्मिनल से. ये जो फील, सपोज मैंने एज्यूम किया ऑलरेडी सिस्टम में जीरो चला गया है, एंड वो इस टाइम यहां पे है. सो मैंने ली रेफरेंस बिट जीरो तो स्टार्ट विद. अब इसका लॉजिक क्या है इस एक्सनॉर का, जब इसका दोनों में से एक इनपुट वन होता है, हम फिलहाल फोकस इसको समझेंगे कंट्रोल इनपुट. सो ये इनपुट जब वन है तो क्या होगा, जो दूसरी बिट है एज इट इज आउटपुट पे आएगी, यही होगा ना. सो इसका मतलब ये बिट अगर वन है, ये बिट एज इट इज आउटपुट पे आएगी, इसका मतलब जीरो यहां पे आएगा. तो दैट मींस जब एम ऑफ टी वन है और रेफरेंस हमने लिया था जीरो, तो जीरो ही आएगा एज अ नेक्स्ट बिट. इज दैट क्लियर? ओके, आगे चलते हैं.
नेक्स्ट बिट क्या है एम ऑफ टी पे आप जीरो, और जीरो के टाइम क्या हो जाता है जो दूसरी बिट होती है उसका आउटपुट जो है उसका कंप्लीमेंटेड वर्जन आएगा, क्योंकि यहां पे जीरो फिर से यहां जीरो ही आ गया, यही जीरो चलते चलते यहां आ गया, तो ये जीरो है ये भी जीरो है, तो आउटपुट क्या आएगा वन, वही वन में एज इट इज यहां पे लिखूंगा, ठीक है ओके। अब नेक्स्ट सिग्नल क्या है मेरे एम ऑफ टी पे, वन है फिर से, वो वन में यहां पे लिख दूंगा, समझ आ रहा है। अब दूसरी बिट लेकिन इस टाइम क्या है, इस टाइम तो दूसरी बिट वन है, ये भी वन है ये भी वन है, मतलब वन के टाइम एज इट इज दूसरी बिट जो है आउटपुट पे आ जाएगी, तो इसका मतलब यहां पे भी क्या आ जाएगा, एक वन ही आ जाएगा, या यहां पे भी वन ही आ जाएगा, ठीक है। अब लास्ट की बिट मेरी जीरो है, तो जीरो मैं यहां पे दे रहा हूं, और ये वन चलते चलते कहां पहुंच गया होगा, यहां पे। सो ये जीरो है ये वन है, जब कंट्रोल बिट जीरो है और दूसरी बिट वन है आउटपुट क्या आएगा जीरो, समझ आया बेटा इतना, यस और नो? जिसको समझ नहीं आया रेज योर हैंड प्लीज। ओके बेटा आई विल जस्ट रिपीट, लेकिन आपका नाम क्या है, जुहैब। जुहैब आपको कितना समझ आया फिलहाल अब तक जी, ये समझ आया ना आपको ये टेबल, एग्जैक्टली राइट, इवन वन डिटेक्टर, लेकिन उसके ऑपरेशन को हमने आप थोड़ा सा डिफरेंट तरीके में समझे, इवन वन को हमने कहा कि जब दूसरी बिट, सपोज जब ए बिट जीरो है उस टाइम आउटपुट को हमने दूसरी बिट के स्टेटस से रिलेट किया, हमने कहा जब ए जीरो है आउटपुट विल बी कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सेकेंड बिट, अगेन ए जीरो आउटपुट इज कॉम्प्लीमेंट, जब ए वन होगा आउटपुट इज सेम एज द सेकेंड बिट जो दूसरे इनपुट से रहा। अब मैं ऑपरेशन फिर से आपको समझाता हूँ, देखिए मैंने एज्यूम किया रेफरेंस बिट जीरो, मतलब ये वाला जो पहला बिट है मैंने कहा कि सिस्टम में जीरो, मैंने इसको रेफरेंस बिट दे दी कहीं से जीरो, ठीक है। प्रैक्टिकली इट में हैपन इन अ डिफरेंट वे, लेकिन यहां पे डायग्रामेटिकली आपको समझाने के लिए, ठीक है इतना समझ आया, बी विद मी ज़ोहैब, माइक ऑन ही रखो आप, इतना समझ आया ठीक। अब जब मैंने जीरो बिट दी, यहां से मैंने पहली बिट दी ये वाली वन, क्योंकि मेरा डेटा है ना वन जीरो वन जीरो, तो मैंने ये वाली बिट दी पहले, रेफरेंस डेटा क्या आ चुका है यहां पे वन और जीरो, आउटपुट क्या देगा ये जीरो, तो वही जीरो मैंने उठा के यहां पे लिख लिया, ठीक है। नेक्स्ट बिट क्या है बच्चे यहां पे जीरो, लेकिन ये जीरो यहां से चलते चलते यहां पहुंच गया, यहां भी जीरो जीरो जीरो, आउटपुट क्या देगा वन, वही वन मैंने उठा के यहां पे लिख दिया। अब जरा ये वाला केस आप समझा दो, बोलो जो तीसरी बिट है राधर, हाँ वन वन मिलके वन देंगे, इवन वन डिटेक्टर है ना, वन देंगे, तो यही वन कहां पे आएगा यहां पे, ठीक है ना। अब ये वन ऑलरेडी सिस्टम में है, इसकी लास्ट बिट क्या है जीरो, जीरो यहां पे, यहां से वन है, जीरो वन क्या हो गया वो ही जीरो यहां पे छेद दिया, ठीक है बेटा। थैंक यू वेरी मच, योर क्वेश्चन हेल्प्ड इट टू एक्सप्लेन बेटर। तो ये हो गया जी ऑपरेशन एक डिफरेंशियल एनकोडर का। अब देखो मजा आपको अब आएगा, देखिए ये मैं आप इरेज कर देता हूं, डिफरेंशियल एनकोडर के बाद तीसरा ब्लॉक कौन सा है, एम्पलीट्यूड लेवल शिफ्टर, इसका आउटपुट क्या आएगा। एम्पलीट्यूड लेवल शिफ्टर क्या करता है, ये इस सिग्नल को एक NRZ टाइप सिग्नल में कन्वर्ट करता है। NRZ मतलब, तो अगर याद आशे, ये ऐसे PSK, ASK, FSK को हमने कहा कि हम पहले एक NRZ सिग्नल जनरेट कर देते हैं, ठीक है ना। तो लेकिन यहां पे NRZ कहां जनरेट होगा, आफ्टर लेवल शिफ्टर, एंड लॉजिकली सो, क्योंकि इस मल्टीप्लायर या PSK मॉड्यूलेटर को हम एक NRZ सिग्नल ही देते हैं। अब NRZ सिग्नल क्या है, कुछ नहीं है, आप ऐसे एक अज्यूम कर लीजिए एक लाइन, so if this is your say, हमें सिग्नल अगर मिला है जीरो वन वन जीरो,
सो एनआर जेड हो गया, बाइपोलर एनआर जेड हो गया कि आई विल हैव अ सिग्नल सच एज दिस, मतलब ये अगर जीरो एक्सिस है ये जीरो के ऊपर नीचे जाएगा। कुल मिला के मकसद वही है, ये वाला पार्ट जो है यहां पे ये जीरो है, ये वाला वन है, ये वाला वन है और ये वाला जीरो है। अब लेकिन सिर्फ लेवल चेंज हो गई इसकी, ये वन पॉजिटिव लेवल में चला गया और जीरो नेगेटिव लेवल में चला गया, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड एज अ लेवल शिफ्ट। तो हमें एनआरजेड सिग्नल मिल गया और एनआरजेड सिग्नल ही चाहिए हमें किसके लिए, पीएसके मॉड्यूलेटर के लिए, क्योंकि ये कुछ नहीं है, ये एक सिंपल पीएसके मॉड्यूलेटर है। एनआरजेड सिग्नल मिल गया, आप देखिए जी सिंपल, मैं इरेज कर देता हूं आपको। उसके बाद हमने देखा था जब भी एनआर के जो था, एनआरजेड क्या करता था, जहां जहां भी जीरो होता था वहां क्या आता था हमारा सिग्नल, माइनस ऑफ एसी कॉस ऑफ टू पाई एफ सी टी, सही है ना, और जहां जहां वन था वहां आता था एसी कॉस ऑफ टू पाई एफ सी टी, फिर से वन है एसी कॉस ऑफ टू पाई एफ सी टी, एंड लास्ट वाला जीरो है तो माइनस एसी कॉस ऑफ, ठीक है जी, ठीक है जी, जैब समझ आया, क्योंकि इसका काम इतना था फेज शिफ्ट मॉड्यूलेटर का, जहां जीरो होता था वहां ये माइनस देता था। अगर मैं कहूं आपको जरा फेज फाइ मुझे बताइए, इस केस में कितना है, इसमें कितना है, इसमें कितना है, इसमें कितना है, तो इस केस में फाइ कितना है, क्योंकि इफ यू रिमेंबर कॉस ऑफ थीटा प्लस 180 इज नथिंग बट माइनस कॉस ऑफ थीटा, चल सही लिख लो कहीं पे, सो क्या है माइनस कॉस ऑफ थीटा नहीं है, सो आई विल just identify the phase part. इसका मतलब इस वाले सिग्नल का फेज जो है वो है पाई, इस वाले का फेज है जीरो, इसका फेज है जीरो, इसका फेज है पाई, सही है कि गलत है, भाई सही है कि गलत है, कोई तो बोलो रिजवाना, सही है कि गलत है ना, पॉजिटिव ना, अच्छा ठीक है। तो दिस इज हाउ नाउ दिस सिग्नल, बेसिकली दिस सिग्नल इज योर डीपीएसके सिग्नल, सो इसको हम आगे ट्रांसमिट कर देते हैं, सो इसका मतलब एस वन ऑफ टी इज एसी कॉस ऑफ टू पाई एफ सी टी, एस टू ऑफ टी इज एसी माइनस एसी कॉस ऑफ टू पाई एफ सी टी, सो यही आगे जाता है और आपके ट्रांसमीटर में चला जाता है, इसको याद रखिएगा 1010 हमने ट्रांसमिट किया था। ओके शैल आई इरेज दिस, ये सुनो शैल आई इरेज दिस, अब चलते हैं डीपीएसके रिसीवर पे, ये तो ट्रांसमीटर था, अब हम देखते हैं डीपीएस के रिसीवर को, ठीक है। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, पहले इसकी ब्लॉक डायग्राम, यहां से आ रहा है डीपीएस के सिग्नल, ये देना है एक मल्टीप्लायर को, यही चीज आफ्टर सम डिले ऑफ टी भी देनी है इसी मल्टीप्लायर को, इस मल्टीप्लायर से जो आउटपुट निकलेगा वो हम देंगे एक लो पास फिल्टर को, दिख रहा है आपको ये लो पास फिल्टर बेटा, अच्छा
अच्छा लो पास फिल्टर का आउटपुट हम देंगे एक एक थ्रेशहोल्ड कंपैरेटर को जिसका थ्रेशहोल्ड है सेट टू जीरो एंड द आउटपुट व्हेन आउटपुट वी इन बिकॉज वी इन यहां से आ रहा होगा इज ग्रेटर देन वी टी एच आउटपुट होगा वन वी इन इज लेस देन वी टी एच आउटपुट इज इक्वल टू जीरो सिंपल लॉजिक जो हम अब तक देखते आए हैं ठीक है ना। अब देखो जी अब हमें देखना है जो हमारा सिग्नल आया उससे ये बड़ा कैसे जनरेट होगी दैट्स व्हाट वी हैव टू सी। तो जो हमारा डीपीएस के सिग्नल आया इससे पहले कि मैं इसके बारे में बात करूं इफ यू रिमेंबर रेफरेंस बिट क्या थी जीरो और जब भी जीरो होता है तो रिजल्ट क्या होता है माइनस एसी कॉस ऑफ टू पाई एफ सी टी मतलब जहां जहां इस डीपीएस के सिग्नल में माइनस एसी कॉस टू पाई एफ सी टी है तो उसका मतलब है कि कॉरेस्पॉन्डिंग वहां वहां पे जीरो था वही हुआ ना। अपने नोट्स को देखिए एक बार कॉरेस्पॉन्डिंग वहां वहां पे जीरो था ठीक है। नाउ लेट मी एनालाइज द सिग्नल। तो बेटा जरा रिजवाना आप मुझे बताइए जरा सीक्वेंस क्या थी इस सिग्नल की जो अभी हमने डीपीएस के सिग्नल भेजा ना। ओके यस माइनस एसी कॉस ऑफ उसके बाद एसी कॉस ऑफ टू पाई एफ सी टी उसके बाद AC cos of 2 pi FCT उसके बाद minus AC cos of 2 pi FCT हाँ ये अलग है यहां से डायग्राम। सो यही है हमारे चार पार्ट्स। याद रखें रेफरेंस बिट थी हमारी जीरो इसका मतलब दैट इज एज गुड एज minus AC cos of 2 pi FCT राइट। आर यू विद मी रिजवान आर यू जस्ट बी देयर। So, now, multiplier output क्या होगा? ये कहां आ रहा है DPS के? Reference bit क्या है already? जो ना system में जा चुकी है, वो है zero. हाँ? Zero is equal to reference bit. या मैं कहूं कि already यहां पे होगा actually AC cos of 2 pi FCT. Am I right or wrong? Please tell me. देखो जी. मैंने रेफरेंस बिट जो ऑलरेडी मैं करता हूं अज्यूम की सिस्टम में है वो है जीरो लेकिन अब चूंकि यहां पे डीपीएस के सिग्नल है डीपीएस के सिग्नल में या तो माइनस एसी कॉस ऑफ 2 पाई एफसीटी है या तो एसी कॉस ऑफ 2 पाई एफसीटी है जीरो से रिलेटेड है माइनस एसी इसका मतलब मल्टीप्लायर जो मैं पहला करूंगा ना सो दैट इज द रेफरेंस सिग्नल मल्टीप्लाइड बाय द सिग्नल दैट आई हैव। सो अज्यूम करें यहां पे रेफरेंस है माइनस एसी कॉस ऑफ 2 पाई एफ सी टी तो मुझे बताइए इसका और इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे नेट रिजल्ट क्या होगा रिजवाना। रेफरेंस इज माइनस एसी कॉस करंट सिग्नल इज माइनस एसी कॉस आल्सो आउटपुट क्या होगा मल्टीप्लायर का एसी स्क्वायर कॉस स्क्वायर 2 पाई एफ सी टी राइट। अब जाके बताइए दूसरे का माइनस एसी स्क्वायर कॉस स्क्वायर टू पाई एफ सी टी तीसरे का नहीं इस टाइम अब रेफरेंस बनेगा ना ये इस टाइम अब रेफरेंस बनेगा ये मतलब चूंकि रेफरेंस जो आपको चेक करना है वो बस पहली बार के लिए चेक करना है क्योंकि बाकी टाइम पे फिर सपोज यहां पे रेफरेंस ऑलरेडी प्रेजेंट है और दूसरा वाला पार्ट ये है
तो ये आगे चला गया, तब तक एक बिट ड्यूरेशन क्रॉस हो गई, तो यही वाला आपका अब रेफरेंस, नया रेफरेंस बनेगा इस वाले के लिए, मतलब इस सैंपल के लिए पिछला और करंट देखना है। इसी तरह इस वाले के लिए पिछला और करंट देना है, क्योंकि दोनों पॉजिटिव है। सो देयरफॉर आई हैव, रिजवाना समझ आया? सो देन द लास्ट वन इज अगेन, अब चूंकि ये रेफरेंस था और करंट ये है, तो प्लस माइनस माइनस एसी स्क्वायर कॉस स्क्वायर 2πfct। यहां पे चूंकि स्पेस की कमी है तो इसलिए मैं कॉस 2πfct नीचे लिख रहा हूं, वरना आप ऊपर कॉस के साथ ही लिखेंगे, ठीक है, जो मैंने ऑलरेडी परसों नोट्स में भेजा होगा। अब कुछ नहीं करना है, खत्म बात। मुझे आप बस बताइए इतना कि लो पास फिल्टर का आउटपुट क्या होगा। लो पास फिल्टर आउटपुट बताइए जल्दी से। हाँ जी रिजवाना, लो पास फिल्टर का आउटपुट फॉर दिस सिग्नल विल बी, एक्सलेंट, यस, एसी स्क्वायर बाय 2, बिकॉज कॉस स्क्वायर हो जाए कन्वर्ट इनटू 1 प्लस कॉस ऑफ 4 पाई 2 पाई एफसीटी डिवाइड बाय 2। तो एक पार्ट बचा एसी स्क्वायर बाय 2, दूसरा पार्ट बचा हाई फ्रीक्वेंसी, तो एसी स्क्वायर बाय 2 यहां आएगा, यहां क्या आएगा नंबर 29, एक्सलेंट शाहिद, रोल नंबर 58 आई थिंक, यहां पे क्या आएगा शाहिद, शायद आप लाइन पे हो, ओके, यहां पे आएगा माइनस एसी स्क्वायर बाय 2, आर यू विद मी? तो अब बताइए रिजवाना, जरा आप बताइए, रोल नंबर 66 शायद नहीं, रिजवाना अब आप बताइए थ्रेशहोल्ड कंपैरेटर का आउटपुट फाइनली क्या होगा। थ्रेशहोल्ड कंपैरेटर के लिए जो थ्रेशहोल्ड है वो है इक्वल टू 0 वोल्ट्स, अगर 0 वोल्ट से ज्यादा हुआ तो 1 आएगा, कम हुआ तो 0 आएगा। पहले केस के लिए क्या आएगा 1, नेक्स्ट केस 29, आप बताइए माइनस एसी स्क्वायर, नेक्स्ट केस के लिए क्या आएगा 29, 0. Anyone else who wants to answer? Zuhair, जरा मुझे बताइए इस वाले केस के लिए क्या आएगा, ए सी स्क्वायर बाय 2 है यहां पे, यहां पे 1, रोल नंबर 37 है वहां पे, रोल नंबर 37 अभी नमाज में टाइम है, आप है वहां पे, तो आप इन जरा आप बताइए लास्ट केस के लिए क्या आएगा, माइनस ए सी स्क्वायर बाय 2 है, एक्सीलेंट। ताबिन नाउ यू टेल मी, ताबिन यू टेल मी, कीप योर माइक ऑन, क्या यही वो ओरिजिनल सिग्नल नहीं थे जो हमने ट्रांसमिट किया था फ्रॉम बिगिनिंग 1010, टेल मी, यस और नो, तो ना समझ 29 रिजवाना एंड ऑल अदर्स, उबैद आपको समझ आया? सो जो हमने ट्रांसमिट किया था सिग्नल वही हमें एग्जैक्टली वापस मिला by using this type of technique, and यहां पे हमने advantage जो हासिल की वो ये की कि यहां पे हमने local oscillator use नहीं किया receiver में, local oscillator use न करने से हमें synchronization के बारे में कोई परेशानी करने की ज़रूरत है ही नहीं, therefore this technique avoided quadrilateral null effect, and that's the best part of this. So if you remember nothing about this technique, but at least remember this, that differential phase shift keying gives us an advantage of avoiding the QNE. Okay? So that's done. Very quickly, I'll move to the next part. And agar ye question exam mein aaya, analysis toh zarur kijiyega. Thodi si theory bhi mat bhuliyega about the different modules, about delay module. Delay module provides a delay. I think at this level, I can leave that to you. Can I? Yes or no? 29, Rizwana, Ubaid, 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 are you there? Roll number 29, aapka camera on ho gaya, unintentionally.
उबैद ऐसे ही बोल रहे हो सर कि सच में? जरा मुझे बताओ लो पास फिल्टर क्या काम करता है उबैद? अरे भाई उस पे जाओ ना गूगल स्ट्रीम पे, है ना, ये यूट्यूब स्ट्रीम पे। दूसरा टॉपिक जो यहां पे है आज हमारे पास, दैट इज कॉल्ड एज एम एरे सिग्नलिंग और कीइंग। ठीक है, एम एरे सिग्नलिंग और कीइंग। देखिए अब तक हमने कौन कौन सी, एनीवन प्लीज बी विद मी, नंबर 29 यू जस्ट बी विद मी, नंबर 29 जस्ट बी विद मी। अभी तक हमने कौन कौन सी टेक्निक्स पढ़ी जरा नाम बताओ। एएसके, एफएसके, पीएसके, ठीक। इसमें हमने एन जो यूज किया वो है वन। क्या यूज किया है? वन। और सिंबल्स कितनी होगी? टू रेज पावर वन इज नथिंग बट टू सिंबल्स। तो एम ये लिख लो जहां पे, यहां पे एम इज इक्वल टू नंबर ऑफ सिंबल्स जनरेटेड और यूज इन अ मॉड्यूलेशन टेक्निक। सो इसका मतलब एएसके का दूसरा नाम हो सकता है बी एएसके, बाइनरी एम्पलीट्यूड शिफ्ट कीइंग, क्योंकि सिंबल्स कितने यूज हो रहे हैं? दो। या टू एरे एएसके, एम आई राइट? लाइकवाइज इसके लिए भी एन है वन, सिंबल्स आएंगे दो, इसका दूसरा नाम बनेगा बी एफ एस के। और अगर मैं इसकी बात करूं, मतलब एम एरे सिग्नलिंग इज एक्चुअली ब्रॉडर सेट। अब लेकिन अगर मैं एम एरे से ही शुरू करता आपको शायद ए एस के एफ एस के समझ नहीं आता। सो वी जस्ट डिड फर्स्ट ए एस के एफ एस के एंड नाउ आई एम टेलिंग यू एम एरे इज नथिंग बट इट इज सेम एज बी एफ एस के। तो obviously it can be called as two array FSK. Same thing for here. Here n is one. Symbols होंगी two raised power one. That is दो symbols होंगी. And इसका दूसरा नाम पड़ेगा binary PSK. या I can say two array PSK. मैं वह ask you a question. I have फोर एरे पीएसके, एन कितना होगा इसके लिए? 29 आया, फोर एरे पीएसके, एन कितना होगा? एन इज टू, बिकॉज इसमें जो एम है नंबर ऑफ सिंबल्स जो है वो कितना है? चार। ये लिख लीजिए कहीं पे, एम इज इक्वल टू नंबर ऑफ सिंबल्स दैट इज टू रेज पावर एन। और जब भी कभी आप एम ये एम एरे यूज करेंगे, इससे फायदा क्या है? फायदा ये है जो बैंडविड्थ होती है, बैंडविड्थ फॉर एन एम एरे कॉन्फ़िगरेशन इज इक्वल टू ट्वाइस आर बी बाय एन। ओके, से फॉर एग्जांपल मैंने एन रखा इक्वल टू वन, ठीक है, तो बैंडविड्थ कितनी आएगी? सपोज मैंने यूज किया टू एरे पीएसके, समझ आ रहा बेटा? आई एम गोइंग टू फास्ट, आई एम गोइंग स्लाइटली फास्ट, बट आई थिंक दिस इज जस्ट सिंपल टर्मिनोलॉजी, कुछ कॉम्प्लेक्स नहीं मैं बोल रहा हूं। 29 आर यू देयर? समझ नहीं आया बोलना प्लीज। देखो बैंडविड्थ की जनरल रिलेशन ये है किसके लिए? एम एरे के लिए, याद रखिए आपने, मतलब बैंडविड्थ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एन। जितना जितना एन बढ़ेगा उतनी बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट कम होती जाएगी। दिस इज बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट कि ऐसे सिग्नल को बैंडविड्थ कितनी चाहिए ट्रांसमिट करने के लिए। सो अगर मैंने एन सेट किया वन, सपोज इट इज टू एरे पीएसके, मतलब एम है कितने के बराबर? एम इज इक्वल टू टू, सो बैंडविड्थ इज इक्वल टू ट्वाइस आर बी बाय वन, सो दैट इज टू आर बी। नाउ इफ एन इज सेट टू टू, दैट इज फोर एरे पीएसके, therefore bandwidth जो होगी वो किसके बराबर होगी? Twice RB by 2, that is nothing but RB.
यहां से यहां तक बैंडविड्थ कम, रिक्वायरमेंट कम हो रही है कि ज्यादा हो रही है? कम हो रही है. सो लाइकवाइज यू कैन कंक्लूड दैट एज वी इंक्रीज एम, बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट्स विल डिक्रीज. ओके, ये तो होगी बैंडविड्थ की जनरल फॉर्मूला, इसको वन लिखिएगा. दूसरी जनरल फॉर्मूला जो बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर एम एरे का कुछ भी डिस्कशन आया, डेफिनेटली दीज थिंग्स नीड टू बी डिस्कस्ड. सो इसमें दूसरा पॉइंट आता है फेज शिफ्ट का. फेज शिफ्ट दैट इज फाई इज इक्वल टू टू पाई बाय एम. ये इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इस पे न्यूमेरिकल सीधा सीधा आ सकता है. बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इस पे न्यूमेरिकल आ सकता है सीधा सीधा. प्लीज इसको लिख लीजिए दैट फॉर एम एरे सिस्टम द फेज शिफ्ट जनरेटेड बिटवीन सिग्नलिंग पॉइंट्स इन एन एम एरे सिस्टम इज गिवन बाय फाइव इज इक्वल टू टू फाइव बाई एम. जरा इसको हम जल्दी जल्दी एक टेस्ट कर लेते हैं. हमने एग्जाम्पल लेंगे एक टू एरे पीएसके का. वो एरे पीएसके मतलब बाइनरी पीएसके जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, और फेज शिफ्ट होगा इक्वल टू टू पाई डिवाइडेड बाय एम. कितना है? टू, टू एंड टू कैंसल्स आउट, 180. इसका मतलब फेज शिफ्ट बिटवीन टू सिग्नलिंग पॉइंट्स इज 180. उसका मतलब क्या है? जो आपका एस वन है, एस वन ऑफ टी, उसका तो फेज शिफ्ट जीरो था. जो दूसरा होगा एस टू ऑफ टी, उसका फेज शिफ्ट इसके रेस्पेक्ट में होगा 180. ये आपको विजिबल है ये बॉटम वाला पार्ट बेटा? हाँ विजिबल है. सो दैट मींस इफ दिस इज एसी कॉस, लास्ट लाइन अबाउट दिस प्लीज, that means if s1 of t is ac cos of 2 pi fc t, s2 that is the second part of the signal that will relate to second symbol, do 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 symbols hai na, ek ye dusri hai, that will rather second bit is 180 and that is minus ac. aur wahi humne dekha bhi, I think we have already proved that. wahi to humne dekha, ek tha ac dusra tha minus ac. ab agar m hota say for example 4, sorry एम अगर होता 4, अगर ये 4 एरे होता, इसी एग्जाम्पल में अगर 4 एरे होता, सो ये आता 4, सो ये और ये कैंसिल आउट करके पाई बाय 2 होता. सो इसका मतलब एस वन में फेज शिफ्ट होता 0, एस टू में होता 90, और एस टू और एस थ्री में होता फिर से 90, और लास्ट वाले में फिर से फेज शिफ्ट होता 90. आपको ऐसा, इसका मतलब एवरी सिग्नलिंग पॉइंट हैज अ फेज शिफ्ट ऑफ 90. इसका मतलब वो है. समझ आया बेटा? क्लियर है? जस्ट टू कंक्लूड दिस एग्जाम्पल, व्हाट डू आई मीन बाय दिस इज, अगर आपको परसों याद होगी हमने बनाई थी कॉन्स्टेलेशन डायग्राम, अच्छा याद? और हमने कहा था अगर मैं कहूं 90 का, सो दिस इज एस वन ऑफ टी, दिस विल बी द पॉइंट एस टू ऑफ टी, दिस विल बी एस थ्री ऑफ टी, एंड दिस विल बी एस फोर ऑफ टी. इन सब में जो फेज डिफरेंस है आपस में, वो कितना है? 9. समझ आ गया? आई डोंट थिंक इसके बाद कुछ और एक्सप्लेनेशन जरूरत होगी इस केस में. ठीक है, इसका मैं थोड़ा सा कुछ नोट आपको भेज दूंगा पीडीएफ बना के, वो देख लेना. आई थिंक दैट विल हेल्प अबाउट दिस एम एरे, एएसके पीएसके एफएसके. ठीक है, सो मुझे ये बताइए क्या इंफॉर्मेशन थ्योरी का कुछ पार्ट है आपके आपके सिलेबस में? चाहे है या नहीं, बट आई वुड रियली रिकमेंड एटलीस्ट एक फॉर्मूला आप जरूर रिवाइज कीजिएगा, क्योंकि भरोसा नहीं है. इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन सुचित कैपेसिटी थ्योरम में आशी आशी जरूरी,
तो बाय चांस अगर आए तो ये जरा याद रखिएगा हैश करके, ये भी इंपॉर्टेंट है, शैनन हार्टली, शैनन हार्टली लॉ, ये बस एक फॉर्मूला हम लिखेंगे और कुछ एक्सप्लेन एक्सप्लेन इसमें नहीं होगा, शैनन हार्टली लॉ फॉर स्पेसिफाइंग रिलेशन बिटवीन, ये बस लिख लीजिए एक पॉइंट एंड दैट शुड बी एनफ फॉर इट, शैनन हार्टली लॉ फॉर स्पेसिफाइंग, लिख रहे हैं आप कि नहीं, शैनन हार्टली लॉ फॉर स्पेसिफाइंग द रिलेशन बिटवीन चैनल कैपेसिटी एंड इट्स बैंडविड्थ, फॉर स्पेसिफाइंग रिलेशन बिटवीन चैनल कैपेसिटी एंड बैंडविड्थ, C is equal to B, that is bandwidth, and this is capacity, CAP हम इसको लिखते हैं, capacity is equal to bandwidth log to the base 2 of 1 plus S by N. याद रखिएगा ये quantity इस time non DB वाला version है, ये non DB है, अगर आपको वहीं से दिया है s by n in terms of db, उसको पहले non db में कन्वर्ट करना है तब जाके यहां पे पुट करना है, सो दिस इज अ non db क्वांटिटी, यहां पे db में वैल्यूज नहीं है, अब अगर db में होगा तो उसको आप वापस पहले कन्वर्ट करेंगे, कैसे, ऐसे s by n db होता है बराबर 10 log 10 s by n. I leave this part to you. इस फॉर्मूला को आप कैसे डिवाइस करेंगे एंड यू हैव टू फाइंड दिस पार्ट, और यही चीज ये है नॉन डीबी क्वांटिटी, ठीक है, लिख लिया बेटा आपने ये, आर वी डन विद इट, यस और नो, लिखवा